वेलकम टू माय चैनल कपिल साइंस फाइन आर्ट। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 3 के लिए पहला वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम क्रेयॉन कलर, पेंसिल कलर या फिर ऑयल पेस्टल कलर से हम इसमें रंग भर सकते हैं। तो आज हम पेंसिल कलर का यूज करेंगे। तो पेंसिल कलर करने के लिए सबसे पहले आप इसमें जो हम कलर करना है वो कलर ले लें। इस प्रकार से रेड ले लें, ऑरेंज और पिंक कलर, ठीक है। तो इसमें जो हम शेडिंग देंगे, एक तो हमारा शेडिंग इस प्रकार से हो गया, और ये हमारा देखिए ऑरेंज कलर, ये हमारा रहा पिंक कलर, ठीक है ना। एक इस प्रकार से हमको शेडिंग करना है। और दूसरी बार में हम देखिए इस तरह से हमको लाइनिंग देखिए खींचना, देखिए इस प्रकार से हम लाइनिंग खींच दे सकते हैं। तो इन्हीं सब लाइनों का हमको यूज करना है, इसमें उपयोग करना है, ठीक है ना। इन सभी लाइनों से हम कहीं पर देखिए इस प्रकार से डार्क लाइन हो गई, ये थोड़ा उससे मीडियम हो गया और ये थोड़ा उससे लाइट हो गया। इसी ट्रिक को हम इसमें उपयोग करेंगे। तो ये हमारा जो लेडी बग है, लेडी बग का ये जो इसका शरीर है, ठीक है ना, इसमें जो कलर करेंगे ये रेड कलर रहेगा और इसके बीच में ये धब्बा टाइप का आपको दिख रहा है ये थोड़ा ब्लैक रहेगा। तो ब्लैक यानी उससे हल्का शेडिंग करेंगे ब्लैक में, इस प्रकार से ब्लैक से शेडिंग करना है हल्का, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं कहीं डीप पड़ेगा तो इस प्रकार से देना है आपको, ठीक है ना। और जब कलर भर लेंगे तो उसके बाद आप इस प्रकार से ब्लैक आउटलाइनिंग कर लेंगे। ये हमारा आउटलाइन हो गया, इस लाइन पर चला, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये हमारा पिंक कलर है, तो पिंक कलर ऊपर से इस प्रकार से भर लेंगे। इस प्रकार से पेंसिल चलाएं जिससे कि कॉपी पर दबाव ज्यादा ना बने, हल्का सा पेंसिल चलाना, ठीक है। हल्का हल्का शेडिंग देना है एक लेयर में, जिसे ये ना लगे कि यहाँ पर मेरा दाग हो गया, यहाँ पर गहरा हो गया, यहाँ उससे फिर हल्का हो गया, ये सब नहीं। तो ये हमने पिंक कलर कर लिया। सेकेंड वाले में मैंने ऑरेंज कलर कर लिया। इस प्रकार से हल्का हल्का पेंसिल को चलाना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये हमारा रेड रहा, रेड कलर को इस प्रकार से चलाएंगे पेंसिल को। ये जो इस लाइनिंग के पास का जो एरिया है उसको थोड़ा डार्क करेंगे इस प्रकार से, you